वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिफरेंट फिनिशेस के बारे में बात करेंगे, जैसे लैमिनेट्स, विनियर, लेकर्ड ग्लास, एक्रेलिक ग्लास। तो ये डिफरेंट टाइप के जो फिनिशेस होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लैमिनेट्स में भी बहुत सारी वेरायटी होती है, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लैमिनेट से स्टार्ट करते हैं। लैमिनेट्स में बहुत वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट फिनिशेस हैं, जैसे मैट फिनिश हो गया, ग्लॉसी फिनिश, हाई ग्लॉस फिनिश, टेक्सचर्ड फिनिश, स्टोन फिनिश, फैब्रिक फिनिश, वुडन फिनिश। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको लैमिनेट्स में मिल जाते हैं। रेगुलर लैमिनेट की थिकनेस 0.6 mm से 1.5 mm तक होती है और ये अराउंड 1500 से लेके 5-6000 तक रेंज करते हैं। लैमिनेट्स की सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमिकल होते हैं, ईजी टू क्लीन होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं और ये कारपेंटर फ्रेंडली होते हैं, ईजी टू अप्लाई होते हैं किसी भी एरिया और किसी भी सरफेस पे। लैमिनेट्स ड्यूरेबल भी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ही नेचुरल और सोबर लुक देते हैं। जितना बाकी फिनिशेस में आपको टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, उससे काफ़ी कम टाइम में आप लैमिनेट्स का काम ख़त्म कर सकते हैं। लैमिनेट्स में एक दिक्कत हो सकती है, अगर कारपेंटर ने ढंग से एजेस पे काम नहीं किया तो वहाँ पे एक ब्लैक लाइन कुछ टाइम बाद दिखाई देने लग जाती है, और अगर लैमिनेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो थोड़े टाइम बाद चिप होने लग जाते हैं। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लैमिनेट ही यूज़ करें। ग्लॉसी फिनिश के जो लैमिनेट्स होते हैं वो इजी टू मेंटेन होते हैं, इजी टू क्लीन होते हैं, बट अगर उस पर थोड़ा भी स्क्रैच आता है तो वो दिखाई देने लग जाता है, जैसे ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और जो मैट फिनिश के जो लैमिनेट्स होते हैं वो उन पे जल्दी स्क्रैचेस दिखाई नहीं देते हैं। लैमिनेट्स में मेटेलिक शीट्स भी आती हैं, ये देखने में एकदम मेटल जैसी लगेंगी आपको, बहुत ही ट्रेडिशनल क्लासिक लुक दे सकती हैं। ये हाइलाइटर्स के लिए कबर्ड के ऊपर या फिर आपके साइड टेबल के ऊपर या फिर कोई टीवी वॉल है आपकी तो वहाँ पर एज अ स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी इजी टू अप्लाई है और कारपेंटर फ्रेंडली है। अब फैब्रिक लैमिनेट्स की बात करते हैं। फैब्रिक लैमिनेट्स बिल्कुल फैब्रिक जैसे दिखाई देते हैं और फील में भी फैब्रिक जैसे ही फील होते हैं। तो अगर कहीं लगा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो लैमिनेट है या सच में फैब्रिक लगा है। फैब्रिक लैमिनेट्स की एक खास बात है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो एजेस के अराउंड टर्न भी हो जाते हैं, आप वी ग्रूव लगा के भी उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप हेडबोर्ड्स पे और साइड टेबल्स पे इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक लैमिनेट्स में क्लीनिंग का एक ध्यान रखना पड़ता है हमें कि उनको आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं, पानी से या किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन से आप क्लीन करने की कोशिश ना करें, वो ख़राब हो सकते हैं। लैमिनेट्स में एम्बॉस्ड शीट्स भी आती हैं जो कि देखने में फैब्रिक जैसी ही लगती हैं, जस्ट उसमें 3D पैटर्न्स होते हैं। ये कारपेंटर फ्रेंडली भी होते हैं और आप इजी टू अप्लाई भी होते हैं। तो इनको आप आराम से अपने हेडबोर्ड्स पे या फिर किसी फीचर वॉल पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोन लैमिनेट्स की बात करते हैं। स्टोन लैमिनेट्स में भी डिफरेंट वैरायटी होती है, कुछ स्टोन लैमिनेट्स बिल्कुल ओपेक होते हैं, कुछ थोड़े से ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ पैटर्न्स बने होते हैं और इन पे आप पॉलिश भी करवा सकते हैं, ये बिल्कुल स्टोन जैसा ही लुक देते हैं। और जो ट्रांसलूसेंट टाइप के स्टोन के लैमिनेट्स होते हैं उनको आप पीछे से लिट करके टेबल्स में या फिर कोई एक वॉल है जहाँ पे आप बड़ा सा एक पीस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उसे पीछे से लिट करके यूज़ कर सकते हैं। ये सारे लैमिनेट्स ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब हम विनियर्स की बात करते हैं। विनियर एक नेचुरल मटेरियल है, जैसे किसी ट्रंक से, पेड़ के ट्रंक से एक पतली सी स्ट्रिप निकाल ली गई हो। विनियर्स रियल वुड का एक थिन लेयर होता है जिसे हम प्लाईवुड के ऊपर पेस्ट करके यूज़ करते हैं। विनियर्स की सबसे अच्छी बात है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग पॉलिश करवा के डार्क या लाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको वुड की नेचुरल ब्यूटी देता है और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्रीमियम लगता है। अगर आपको वार्म और ऑथेंटिक लुक चाहिए तो आपको विनियर्स चूज करने चाहिए अपने फर्नीचर और डोर्स के लिए। विनियर में एज की जो फिनिश है वो भी बहुत सीमलेस होती है, डिफरेंट टाइप के ट्रीज के, डिफरेंट टाइप के वुड्स के डिफरेंट विनियर आते हैं, तो उनके ग्रेन्स अलग होते हैं, थोड़े कलर में डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको डिफरेंट कलर और डिफरेंट वुडन ग्रेन्स के ऑप्शन मिल सकते हैं विनियर में भी। विनियर की डिसेंट ड्यूरेबिलिटी होती है, अगर आप प्रॉपरली हैंडल करें और केयर के साथ यूज करें तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। अगर रेट्स की बात करें तो लैमिनेट से एक्सपेंसिव होते हैं विनियर्स, अराउंड 180-850 स्क्वायर फीट तक का इसका रेट आता है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है तो आपको विनियर्स ही चूज करने चाहिए। विनियर्स की एक और खास बात है कि कुछ सालों बाद जैसे लैमिनेट्स की शाइन कम होने लगती है
विनियर की भी हो जाती है, बट आप क्या कर सकते हैं, विनियर में आप दोबारा से उस फर्नीचर को, उस पीस को पॉलिश करवा सकते हैं। अगर लाइट कलर में है तो आप उसको डार्क भी करा सकते हैं, तो ऐसे वो बिल्कुल नया हो जाता है बिना ज़्यादा किसी झंझट के। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद आप इधर सब्सक्राइब का बटन है उसे भी प्रेस कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो हमारी मोटिवेशन के लिए ये सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए अब एक्रिलिक और लेकेट फिनिश की बात करते हैं। तो ये दोनों ही ग्लास जैसा लुक देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्रिलिक फिनिश में MDF का या प्लाईवुड का जो भी एक बोर्ड है उसके ऊपर एक्रिलिक मटेरियल की एक लेयर होती है, वो बहुत ही एक स्मूथ और ग्लॉसी सरफेस प्रोवाइड करता है। आजकल किचन्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ये मटेरियल। ये मटेरियल हाईली ड्यूरेबल है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और फेडिंग रेजिस्टेंट भी है। जल्दी ये फेड नहीं होगा। लैमिनेट्स की कुछ टाइम के बाद चमक कम होने लग जाती है, बट इस मटेरियल में आपको ये प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। मेंटेनेंस और क्लीनिंग भी बहुत ही आसान है। इसमें बहुत सारे कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसलिए ये कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है और आजकल इंटीरियर में, किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। लेकर्ड ग्लास फिनिश में ग्लास के पीछे एक लेकर्ड पेंट फिनिश की लेयर होती है। इसके पीछे कोई बोर्ड नहीं लगा होता, इसमें लिमिटेड कलर मिलते हैं और ये फ्रेम्स पे फिक्स होता है। कोई बोर्ड नहीं लगा होता इसके पीछे या हिंजेस नहीं लगे होते, ये चैनल्स और फ्रेम्स पे फिक्स होते हैं। देखने में बहुत ही डिसेंट और ग्लॉसी लुक देते हैं ये वार्डरोब की डोर्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट ध्यान दें, इसको आप रफली यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो ये किसी भी टफन ग्लास की तरह टूट सकता है। तो इसलिए भी किचन में आजकल लोग एक्रिलिक फिनिश ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं लेकर्ड ग्लास की जगह। लेकर्ड ग्लास फिनिश या एक्रिलिक फिनिश, ये सब किसी भी छोटे रूम को या छोटे किचन को बहुत ही ब्राइट लुक देते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस होती हैं इनकी, तो काफ़ी अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, तो किसी भी रूम को ब्राइट और स्पेशियस बना देते हैं। आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हों, बट अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।